बच के रहना इश्क से तेरा सब कुछ मिटा देगा। बच के रहना इश्क से तेरा सब कुछ मिटा देगा। तू चीज क्या है, तू चीज क्या है, तेरी खाक को जलाकर राख कर देगा। तू चीज क्या है, तेरी खाक को जलाकर राख कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, मी अहमद मुश्ताक। मुझे पूरा यकीन है कि तो इसे ठीक पर अपने आप को टाइम दिया करो। अगर आप अपने आप को टाइम दोगे तो आपकी बेहतरी के लिए अच्छा होगा। दूसरों के बारे में मत सोचिए। लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक है वो है सेल्फ डिसिप्लिन, एंड पर्टिकुलरली पहले हम बात करेंगे सेल्फ रेस्पेक्ट पे। सेल्फ रेस्पेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट क्या चीज बोनो तय किम पांच चीज यमो सिकताई यमन सिकताई मेंटेन रोज तुहन सेल्फ रेस्पेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ रेस्पेक्ट सू चीज यमिस नी सेल्फ रेस्पेक्ट आस कहीं नश तेम से कह कत करान नश तेम से कह बेहवान तेम से प्रत का इग्नोर करान तेम चुन का गर दिवान ये नहीं तेम से चुन का दोस्ती करान कहीं तेम से चुन का मशवर करान कहीं तेम्स नहीं कह पानस बहन दिवान तेम्स का दोस्त के बनावान कहीं। उसके साथ बिल्कुल सारा कुछ उल्टा होता है जिसका सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता है। इसीलिए मैं आज आपको पांच ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको सेल्फ रेस्पेक्ट देंगे। अगर नहीं तो इन पांच अंक कथन फॉलो करो कहीं ये मैं तुम गोडेथ वनो न दीव तुम पानस नश कह बहन न दीव तुम पानस सत कर न दीव तुम न बनाव तुम कह पुन दोस् न दीव तुम कह गर ये न कर तुम दोस्त सुंद मोल मोज कत न दीव तुम प्रत जाए प्रत महफिल मज ग इग्नोर अगर नुम पांचन चीजन हूं फॉलो करव। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पहली गलती करते हैं वो गलती करते हैं हम जब हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। और वो पहली गलती है किसी का पीछा करना, किसी का पीछा करना। ये तो दुनिया में कह इग्नोर करो कह या कह गु तुम खुश मगर तमिस तुम खुश ग कहीं मगर तुम तो तमिस तम पे पीछा करान। आप उसको ट्रेस करते रहते हो तुम तो तमिस इंतजार आसान करान तुम तो झाड़ान आसान तुम तो तमिस वना अख मिनट दि सान खतर तुम वन तमिस मिनट चोर मिनट पांच मिनट अस नश बेहत पांचन मिनटन बेहत। ये जिंदगी में मेरी एक बात याद रखो किसी का पीछा मत करो। जब खुशी एक बात मैं आपसे कहूंगा खुशी मांगने से नहीं मिलती है, खुशी जो किस्मत में होती है वही मिलती है। मांगने से अगर मांगना है अगर गिड़गिड़ाना है अगर आपको कुछ मांगना है तो खुदा से मांगो। ये मिस इंसान से पत पत चू फेरान ये मिस इंसान से कह चीज छू मांगान कह चीज छू मांगान पहर पत पहर ऐसे निश बेहद दोन मिनटन हमारे लिए वो करो हमारे लिए वो करो हम आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हम पागल हो जाएंगे हम वैसा करेंगे। यही चीज करते तुम रबस निश क्या रोब मन छाए वन कंसे निश। अगर तुम इंसान से पत पत पकियो अगर तुम इंसान गिड़गिड़ो अगर तुम इंसान अम स छुनते सिर्फ आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट सिर्फ टाइम कबाड़ो छुनते करा कह तो छु पन्ने खानदान के रेस्पेक्ट कबाड़ करा तो छु मलिस माज हिंद रेस्पेक्ट कबाड़ करा तो छु प्रत कोई खानदान के उस ते रिलेशन छु टाइम कबाड़ छु करा। अगर गिड़गिड़ाना है तो अल्लाह से गिड़गिड़ाओ अल्लाह से मांगो कि खुदाई मन छाए उनको नहीं जाए खुदाई मन उनको नहीं जाए ये मुझसे कुछ मांग रहा है। इसलिए इंसानों से मत मांगो। ये पहला है कि किसी का पीछा बिला बीजा पीछा मत करो। अगर आपको किसी अगर आपको आपको किस किस किसी चीज में इंटरेस्ट है और उसको तुम में इंटरेस्ट नहीं है उस चीज का फॉलो कभी मत करो उसका पीछा कभी मत करो। ये एक मेरी बात पहली बात जो आपको सेल्फ रेस्पेक्ट दे सकती है। लेकिन अगर आपने ये फॉलो नहीं किया अगर आपने फिर भी पीछा किया तो आपका आपका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसका कबाड़ा बन जाएगा। दूसरी बात किसी से मिन्नतें करना छोड़ दो। कंस बैग करो ये सुना बैग करो इंग्लिश पढ़िया मिन्नत करें या मतलब गिड़गिड़ा के मांगना मिन्नत करें कंस पहर पत पहर मैंने खतर दी जो मिनट मैंने खतर दी त्रे मिनट मे दी तो चीज मे दी तो चीज मे दी ये चीज उससे भी आपकी इज्जत का कबाड़ा हो जाता है। दुनिया मज ग अल्लाह ताला वर कंस मिन्नत करें कहीं क्या इस तुम मिन्नत कर पहर पत पहर ये अम स 24 आवर्स दिमाग रोजान आवर खबर यह मा कर मे मिन्नत पूर खबर यह मा कर मे बैक पूर खबर यह मा कर मे एक्सपेक्टेशन पूर ये
پت پت پکان پکان چھُنہٕ سُہ اِنسان گِران کینٛہہ ییٚمِس محنت چھُ کَران. ژٕ چھُکھ اَکھ وقت چھُ یِوان ژٕ چھُکھ پانہٕ گِران پَتھر، مگر تَمہِ ساتہٕ چھُے نہٕ ژےٚ تھوٚد تُلَن وول آسان کٕہٕنۍ. زِندگی منٛز گژھِ نہٕ محنت کَرٕنۍ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے کٲنٛسے. کِسی اِنسان سے محنت مت کَرو. جب آپ کو لگے کہ یہ مجھے بندہ ڈِنے کر رہا ہے، اِگنور کر رہا ہے، کبھی اس کی محنت مت کرو. تَمہِ سۭتۍ چھی ژےٚ اَکھ چیٖز گژھان، آپ اپنے گول سے ہٹ جاتے ہو. جو آپ کا پیشن ہوتا ہے زندگی کا، یُس ژےٚ پٔرپز آسی زندگی ہُنٛد، کانٛہہ تہِ چیٖز آسہِ زندگی منٛز، کانٛہہ پیشَن پٔرپَز، کانٛہہ چیٖز أچیٖو کَرنُک، سُہ چھُے ژےٚ سورُے پٮ۪وان تٔتی. ژٕ چھُکھ زندگی منٛز پَتھر پٮ۪وان، پَتہٕ چھُے نہٕ ژےٚ تُلَن وول تہِ آسان کٕہٕنۍ. اَگر یہِ محنت چھے کَرٕنۍ، وہ اللہ سے کرو، اللہ سے گِڑگِڑاو، اللہ سے محنتے کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے سجدے کرو، اور اللہ سے مانگو، کسی اِنسان سے مت مانگو. بہٕ چھُس یہِ بار بار وَنان کہِ دُنیاہَس منٛز اگرے کانٛہہ بٔڑ بَلاے چھِ، سۄ چھِ اِنسان. اور ساروی کھۄتہٕ ڈِفکَلٹ چھُ دُنیاہَس منٛز اَکھ اِنسان رِکاگنایز کَرُن کہِ یہِ کۄس بَلاے چھِ. یہِ چھو بیٛاکھ کَتھ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ پَنٕنۍ عزت بچٲیِو، ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ پَنُن سیلف ریسپیکٹ بچٲیِو. سُہ گوٚو یِہوے کہِ کسی اِنسان سے بیگ مت کرو، کسی اِنسان سے منتے مت کرو. کیونکہ میں نے ابھی اس سے پہلے بھی کہا کہ خوشیاں مانگنے سے نہیں ملتی ہے، خوشیاں اپنے جو نصیب میں ہوتی ہے وہی ملتی ہے. کسی کے مانگنے سے خوشیاں نہیں ملتی ہے. یہ دوسرا ہے، کسی سے منتے مت کرو، اس سے آپ اپنے سیلف ریسپیکٹ کا کباڑا کرو گے. تیسری بات یۄس ترٛیِم کَتھ چھِ یُس تُہٕنٛدِس سیلف ریسپیکٹَس کباڑ چھِ کَران، سُہ گوٚو کہِ تُہۍ چھُ وۄنۍ باقٕے یَژھان خۄش کَرٕنۍ. آپ کسی اِنڈِوِجوَل اِنسان کو خۄش کَرنا چاہتے ہو. جی حضوٗر، جی ہاں، یَس سَر، یَس، نو سَر، وو سَر، یے سَر، نا سَر، نہیں، وہ سب ٹھیک ہے، ہاں سب ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہو وہ سب ٹھیک ہے. اگر ژےٚ سُہ غلط کَتھ تہِ چھی وَنان، آپ اس میں بھی ہاں کرتے ہو. مائی ڈیئر، زندگی میں کبھی غلط چیٖز کا ہاں مت کرو. اگر آپ اپنا سیلف اسٹیٖم، سیلف ریسپیکٹ رکھنا چاہتے ہو، اگر ژٕ یژھان چھُکھ پنٛنِس عزتس کباڑ کرُن کِہیٖنۍ، کہِ اگر ژٕ کٲنٛسہِ چھُکھ مطلب کانٛہہ چھَنہٕ یَژھان خۄش کَرُن، لیکِن غلط چیٖزُن کانٛہہ یَس سَر، یَس سَر، یَس سَر مت کرو. کیٛازِ تٔمِس اِنسانَس آسہِ پاوَر، سُہ وَنی ژےٚ غلط کَتھ تہِ، ژٕ کَرَکھ تَتھ تہِ یَس سَر. تَمہِ ساتہٕ چھُے نہٕ ژےٚ باسان کہِ یہِ گوٚو مےٚ خۄش. اس کو پتہ ہوتا ہے کہِ میرے پاس پاور ہے، یہ میرا نوکر ہے، اسی لیے یس سر ہر کسی بات میں کر رہا ہے. یس جب غلط بات ہوگی تو اس میں کبھی یس سر مت کرو، چاہے آپ کی وہاں پہ جان ہی نہ کیوں چلی جائے. لیکن اس چاہے آپ کی جاب چلی جائے، ژٕ آسکھ رۄپیہِ ژور کٲنٛسہِ نِش کماوان، سُہ وَنی ژےٚ غلط کَتھ کَتھ، غلط کَتھ گژھِ ٹکار جواب دِنۍ یورٕ. غلط غلط ہے اور ٹھیٖک ٹھیٖک ہے. غلط کو کبھی اِنسان صحیح نہیں کر سکتا، اور ٹھیٖک کو کبھی اِنسان غلط نہیں کہہ سکتا. اور انٹیلیجنٹ، اگر میں کسی کو کہوں گا کہ مذہب کیا ہے، مذہب یہ ہے کہ آپ کو ٹھیک چیزیں ٹھیک جگہ پہ رکھنی ہے اور غلط چیزوں کو بھی ٹھیک جگہ پہ رکھنا ہے، اسے علم کہتے ہیں، اسے مذہب کہتے ہیں. لیکن یہاں آج کل کے ٹھیکیدار ہمیں صرف غلط چیزوں کے پیچھے بھگاتے ہیں. غلط چیزوں پر چھس پہ یس سر، نو سر، یس سر، یس سر کرو. اور ایسی غلطی مت کرنا، میں نے ابھی بھی کہا، وہ پاور میں ہوگا اور آپ کو وہ استعمال کرے گا. یہ مت سمجھنا آپ اس کو خوش کر رہے ہو، وہ آپ کو نوکر سمجھتا ہے. اسی لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا باس ہے جو آپ کے سامنے ہوگا، جس کو آپ خوش کرنا چاہتے ہو، آپ کو لگتا ہے میں نے اس کو خوش کیا، لیکن نہیں، وہ آپ کو ٹریٹ ایز اے ڈاگ کرتا ہے، ایز اے سلیو کرتا ہے، ایز اے سرونٹ کرتا ہے. اسی لیے وہ کبھی کبھی آپ پہ ہنسی مذاق کرتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے میں پاور میں ہوں، یہ میرا کتا ہے. وہاں پہ جب آپ کسی کو خوش کرتے ہو، جب آپ اس کی ہاں میں ہاں بھرتے ہو، غلط باتوں پہ بھی ہاں کرتے ہو، بالکل غلط بات جو 100% غلط بات ہے آپ اس پہ ہاں کرتے ہو، آپ اپنی عزت کا کباڑا کرتے ہو. یہ کبھی مت کرنا اگر آپ اپنا سیلف اسٹیم اور اپنا سیلف ریسپیکٹ مینٹین رکھنا چاہتے ہو. چوتھی بات، دنیا میں کسی بے قدر انسان کا انتظار مت کرو. اگر آپ کو کوئی چھوڑنا چاہتا ہے، لیٹ ہم ٹو گو، لیٹ ہر ٹو گو. جو آپ کی زندگی میں جانا چاہتا ہے، تم چھ آسان سُہ پلان کوٚرمُت پانٛژن ؤرین ہُنٛد، دۄن ؤرین ہُنٛد، شیٚن رٮ۪تن ہُنٛد، ژورن رٮ۪تن ہُنٛد پلان آپ کی لایف سے نکلنا. کوئی بھی چیٖز، کوئی چاہے اس میں پٔٹِکیوٗلرلی انسان ہو، جب وہ کہے آپ کو میں آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اس کو خوشی خوشی اجازت دے دو اور اس کو دروازے تک اس کے ساتھ نکلو اور اس کو بائی بائی خوشی خوشی سے کرو. اگر اس کے بجائے آپ نے منتیں کی، اگر آپ نے اس سے کہا نہیں میں آپ کے بغیر، پلیز دو منٹ، میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتا، میں آپ کے بغیر زہر کھاؤں گا، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا، مجھے آپ کے بغیر ایک مہینہ نہیں نکلے گا، مجھے آپ کے بغیر چار مہینے نہیں نکلیں گے، میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، میرا کڈنی فیلئر ہو جائے گا، میرا یہ ہو جائے گا، میں بیمار رہوں گا، میرا فیور نہیں اترے گا. مائی ڈیئر، جو جانا چاہتا ہے اسے جانے دو اور خوشی خوشی اسے جانے دو. اگر آپ نے اسے منتیں کی، تمہاری منتوں سے، اور اگر آپ نے اس کا انتظار کیا کہ وہ
आएगा, वापस आएगा। आप अपनी जिंदगी का कबाड़ा कर रहे हो, आप उसके इंतजार में अपनी जिंदगी के सारी ख्वाहिशात को कुर्बान कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो। आप सिर्फ अपने आप को आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो, आप अपनी माँ बाप की खुशियों को सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप अपनी भाई बहनों की इज्जत का कबाड़ा कर रहे हो। जिसको जाना होगा आपकी जिंदगी में, आपको डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एंग्जायटी लेने की जरूरत नहीं है, आपको नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। जिसको जाना होगा बाय बाय कर दो, लेकिन अगर आपने उसका पीछा किया, अगर आपने उससे बार बार मिन्नतें की, नहीं मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा, आप अपनी इज्जत का कबाड़ा कर रहे हो। और ये मेरी बात याद रखना, हमेशा अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि जिंदगी का जो जंग है ना, ये कबल योता इंसान कब्र मांज बस तो छुनी जिंदगी जंग ऐसा खत्म की। इसीलिए यस्तिका इंसान मुसीबत ही, चाहे वो इंसान की तरफ से आ जाए या किसी और चीज की वजह से आ जाए, अल्लाह ताला जो कुरान फरमावान कि अत मुसीबत मो अचीवमेंट, मगर यह करोड़ मज तक कंस इंसान प्रजन। हो सकता है कि अगर से कह इंसान बेकदर इंसान यहां त्रावन, हो सकता है आपकी जिंदगी में उससे बेहतर इंसान आ जाए जो आपकी जिंदगी को चांद तारों तक ले जाएगा। अल्लाह ने ऐसी बेहतरी लिखी होगी, मगर अगर से अथ मज रूद अथ डिप्रेशन मज रूद बगैज त्रोस मे मज कमी मे क्या उस बै परफेक्ट उस मेरे पास सब कुछ था बगैज त्रोस। तो आप अपनी जिंदगी का कबाड़ा कर रहे हो और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट का कबाड़ा कर रहे हो। ये जिंदगी में कभी मत करना किसी बेकदर इंसान का ना इंतजार करना। अगर वो आपको छोड़ना चाहता है, उसको खुशी खुशी दरवाजे तक साथ निकलो और उससे कहो आप खुदा के हवाले, मैं खुदा के हवाले, तब आपकी इज्जत का कबाड़ा नहीं हो सकता। पांचवी और लास्ट बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं जिससे आपका इज्जत का कबाड़ा नहीं हो जाएगा, वो है जब आप बार 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 किसी के सामने अपने आप को इम्प्रेस करना चाहते हो, आप उससे इम्प्रेस करना चाहते हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास फलां गाड़ी है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, मेरा बाप जो है वो गवर्नर था, मेरा बाप चीफ सेक्रेटरी था, मेरा बाप डिप्टी सेक्रेटरी था, मेरा बाप डिप्टी कमिश्नर था, मेरा बाप फलानी जगह आईएएस ऑफिसर था, ये था वो था। इस बात से कुछ नहीं होता। जब तक आपके पास इखलाक नहीं होगा, कैरेक्टर नहीं होगा, तब तक आपकी बातों से कोई भी इंसान इंप्रेस नहीं हो सकता। वो ऊट पटांग इंसान तो आपसे इंप्रेस होंगे जो दुनिया में पैसों के पीछे भागते हैं, वही आपसे इंप्रेस होंगे। वो आपको वक्ती तौर पर अपना फायदा उठाएंगे, आपसे पैसे लेंगे, आपके पैसों से ऐश करेंगे, आपके पैसों से घूमने जाएंगे, आपके पैसों से होटलों में खाना खाएंगे, अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाएंगे, अच्छे अच्छे पिकनिक स्पॉट पे जाएंगे। उन लोगों को ऊट पटांग लोग मैं कहता हूँ। लेकिन जो अच्छा इखलाक वाला इंसान होगा वो आपकी कैरेक्टर से इंप्रेस हो जाएगा, वो आपकी बातों से इंप्रेस हो जाएगा, वो आपके इखलाक से इंप्रेस हो जाएगा, वो आपके बिहेवियर से इंप्रेस हो जाएगा, वो आपके रहन सहन से इंप्रेस हो जाएगा, वो आपके चलने से इंप्रेस हो जाएगा, वो आपके बोलने से इंप्रेस हो जाएगा, वो आपकी बातों से इंप्रेस हो जाएगा कि ये बातें कैसे करता है। लेकिन अगर आपने खामखा किसी इंसान को अपना बनाने के लिए अपने पैसों का दिखावा किया, अपने बड़े खानदान का दिखावा किया, अपने बड़े बाप के ऊंचे कद का दिखावा किया, अपनी माँ की ऊंचे कद का दिखावा किया, अपने भाई का ऊंचे कद का दिखावा किया, या किसी और रिश्तेदार के दिखावा किया, या अपने कपड़ों से किसी को इंप्रेस करने की कोशिश की, अपने महंगी चीजों से किसी को इंप्रेस करने की कोशिश की, वो रिलेशनशिप ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। वो आपको बीच में डुबा देगी समंदर में, जहां से आपको नाव भी नहीं मिलेगी बचाने के लिए। इसीलिए ऐसी चीजों से कभी किसी को इंप्रेस मत करो। अपने पैसों से, अपनी कीमती चीजों से, अपनी गाड़ी से, अपनी महंगे महंगे कीमती चीजों से किसी को इंप्रेस करने की कोशिश मत किया करो। हमेशा अपने कैरेक्टर से, अपनी इखलाक से दूसरों को माइल करने की कोशिश करो। अगर उसमें आप कामयाब हो गए, आपने अपने कैरेक्टर से किसी को माइल किया, तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चलती है। उसमें बिना डिस्प्यूट के आपकी जिंदगी खुशी खुशी निकल जाएगी। लेकिन अगर आपने इंप्रेशन के अपनी पैसों से इंप्रेस करके किसी को अपना बनाया, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाएगी, वो रिलेशनशिप वेरी शॉर्ट टर्म की होगी और उसमें आपको जिंदगी में सिर्फ डिप्रेशन और एंग्जाइटी मिलेगी
और उसमें आपकी इज्जत का, आपकी सेल्फ एस्टीम का, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट का कबाड़ा हो जाएगा। जो आप सोच भी नहीं सकते वो आपकी जिंदगी में फिर हो सकता है, जो आप दैट इज बिहाइंड योर इमेजिनेशन, जो आपकी जिंदगी में फिर होगा अगर आपने अपनी महंगी चीजों से किसी को इंप्रेस बनाया और किसी को लाइफ पार्टनर बनाया अपनी या किसी को दोस्त बनाया अपनी महंगी चीजों को दिखाकर। क्योंकि महंगी चीजें नहीं रहती है, ये चीजें इधर से उधर हो जाता है लाइफ में। क्योंकि शेक्सपियर कहता है कि वह हैज टाइम डिस्ट्रॉय एवरीथिंग बट नथिंग कैन डिस्ट्रॉय द टाइम। ये जो वक्त की जालिम हाथ होते हैं ये हर किसी चीज को खत्म करते हैं, लेकिन वक्त को कोई खत्म नहीं करता। ये मेरी हमेशा 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 बात याद रखना। फिर ये मत कहना उदास रहता है मेरी जिंदगी का ताजमहल, उदास रहता है मेरी जिंदगी का ताजमहल तुम्हारे ख्वाबों की जब चांदनी नहीं होती। वो चांदनी अगर आपने गलत इंसान को इंप्रेस किया आपकी जिंदगी में कभी चांदनी ही नहीं होगी। क्योंकि अगर असल रियल में आप साइनस पे जाओगे चांदनी में कभी रोशनी अपनी होती ही नहीं है, और आपकी जिंदगी में रोशनी ही चली जाएगी और आप अपनी इज्जत का कबाड़ा, अपने खानदान का कबाड़ा, अपने भाई बहनों का सेल्फ रेस्पेक्ट का कबाड़ा करोगे। टेक केयर। मुझे पूरा यकीन है आप मेरा ये वीडियो, आपने इससे बहुत बातें सीख ली होगी। मैं जवानों से कह रहा हूँ आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। अगर आप इन चीज़ों का फॉलो करोगे तो आप जिंदगी में कभी नाकामयाब नहीं हो जाओगे और न आप जिंदगी में कभी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को खोगे। और अगर आपने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाया तो आप जिंदगी में कभी न डिप्रेशन न एंग्जाइटी का शिकार हो सकते। टेक केयर। मी अहमद मुश्ताक।